गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सॉरी ये थोड़ा लेट हो गया, मैं 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट लेट हो गया। इनफैक्ट समझ ही रहे हो, आज एनसीईआरटी वाले कार्यक्रम था और एनसीईआरटी वाली में मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ सीरियस इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा लेट उसी वजह से हुआ है, नथिंग मोर इज देयर। तो फटाफट पहुँचो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी पहुंचिए, जल्दी जल्दी पहुंचिए यार, थोड़ा शेयर कर दो चारों तरफ ताकि लोग आ जाएं। मतलब पता नहीं, इस मीडियवल वाली कहानी को जल्दी से ख़त्म करता हूं क्योंकि वही चीज़ बेसिकली वहां पे मैंने शुरू की है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई जो 5-10 मिनट लेट हुआ है उसका कारण तुम समझ ही सकते हो। आज एनसीईआरटी वाला लॉन्च फिर से हुआ, शुरू क्लासेज हुई, तो आई वॉज सो मच हैप्पी, ठीक है। और खुशी में देखो, इंसान ना ज़िंदगी में 2 बार गलती ज़रूर करता है, एक बार ध्यान रखना। जल्दी जल्दी पहुँचो, पहले 2-3 मिनट का टाइम लेता हूँ, जल्दी जल्दी पहुँचिए। कहानी आज गजब जबरदस्त टाइप की होने वाली है, सल्तनत काल में प्रवेश करने वाले हैं हम और कुछ खतरनाक बातें बताने वाला हूँ। तो एक बात मैं कहता हूँ कि पता ना, इंसान 2 बार गलती जरूर करता है जीवन में। 2 ऐसे सिचुएशंस होती है ना जब गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, पता है कब? एक बार जब बहुत ज्यादा खुश हो, ठीक है, और एक बार ना जब बहुत ज्यादा दुखी हो। एक बात ध्यान रखना, जीवन में कभी भी ना कोई फैसला, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो तो भी मत करना और बहुत ज्यादा दुखी हो तब तो बिल्कुल भी मत करना। ये दोनों डिसीजंस के ना गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। समझ में आ रही बात व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सो ऑलराइट यार, पहुंचो जल्दी जल्दी, 2 मिनट का टाइम लेते हैं, फिर कहानी को शुरू करते हैं। हरेंद्र, संतोषी, मोहित, हरेश, वैदेही, मनु, मोहित, ओलेक, लाइबा, नेहा, संदीप, हरेंद्र, कहाँ हो यार? मतलब 10 मिनट मैंने टाइम तो दिया ही ना तुम लोगों को, खत्म करते करते एनसीईआरटी, तो थोड़ा इसको थोड़ा आगे पढ़ लेंगे और क्या है, मतलब थोड़ा पढ़ेंगे। अब 2-3 घंटे अगर हिस्ट्री तुम्हें पढ़नी पड़ रही है और तुम समझ रहे हो कि हिस्ट्री का क्या महत्व है, सॉरी, अगर ये बात नहीं समझ पाए हो तो सिविल सर्वेंट कैसे बनोगे बाबू, और देवियों सज्जनों कैसे बनोगे? मतलब हिस्ट्री अपने आप में एक इतना बड़ा सेगमेंट है, पीटी से लेकर और इंटरव्यू तक। अरे तुम्हें जो कुछ अच्छी बातें बोलने की हैसियत देगा ना, वो ये विषय है, ठीक है। अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझने की जो ताकत देगा ना, वो ये विषय है। और बिना उसको समझे हुए ना, सारे आज की दुखों के सारे सवाल कारण इतिहास की गर्त में, उसके कोख में छिपे हैं। सो उसको बिना समझे, मतलब समझ रहे हो यूपीएससी ने इतना महत्व इस विषय को क्यों दिया है कि भाई पीटी में भी तुम जाओगे तो 15-17 क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता। पीटी में भी तुम जाओगे तो 15-17 क्वेश्चन, ऊपर हो जाए कम का तो सवाल ही नहीं उठता। मेंस में भी आप जाओगे तो पूरा पेपर 1 का 50% सेगमेंट भरा पड़ा रहता है इससे, ठीक है। और उसमें पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी तहत, मतलब एवरीथिंग, एंशियंट, मॉडर्न, मीडिएवल, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, ऑप्शनल अगर तुमने ले लिया तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल हिस्ट्री है। और इंटरव्यू में तुम्हारी बातों में अगर शहद कोई टपकाएगा ना, तो वो विषय हिस्ट्री है, ठीक है। सो आप समझ रहे हो कि इतना ज्यादा महत्व इस सब्जेक्ट को क्यों दिया गया है? बिकॉज कल होके तुम सिविल सर्वेंट बनते हो ना, तो तुम्हें जीवन की, अपने समाज की सारी समस्याओं का तुम्हारे पास एक कच्चा चिट्ठा होना चाहिए, तुम्हें उस समझ होनी चाहिए। और तुम जानते हो कि वर्तमान की सारी समस्याओं का जो निदान है, ठीक है, सबसे पहले तो उस समस्या को समझने में है। और समझने के लिए आपको, तुम्हें, हमें जाना पड़ेगा इतिहास में, एंड दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट हैज बीन गिवन दैट काइंड ऑफ द इंपॉर्टेंस। आगे हो सब या अभी तक खोए हुए हो? कहां हो सब भाई? जो नहीं आया है ना, ठीक है, जो नहीं आया है, जिसे लग रहा है कि अब मीडियवल एनसीईआरटी में होगा ना, उसका खून कर दूंगा मैं, सही बता रहा हूँ, ठीक है। अपना दिमाग जो ये सब लगाने लगते हो ना तुम लोग, दिस इज एक्चुअली, दिस टर्न्स आउट टू बी टेरिबल, ठीक है। यहाँ पे पीटी के लिए मैं कुछ कोर्स वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं 10 मिनट, देखिए एकता, मून, ठीक है, कब आओगे भाई? आ जाओ, मैं तो आ ही चुका हूँ, खून मेरा किस प्रकार से जल रहा है, ये जल्दी जल्दी आया करो यार, प्लीज़, ठीक है। शीनू, तानिया, नीरज, आशीष, संदीप, राहुल, हरेश, कम प्लीज एवरीवन, सिमरन, अश्विन, दिव्या, ब्रजेश, आओ जल्दी जल्दी, शेयर करो, थोड़ा बता दो ग्रुप में कम से कम जाके कि शुरू हो चुकी है क्लास, 10 मिनट लेट हो गया था, बट प्लीज एक बार बोल दो जाके, ठीक है, कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, सो दैट दे कुड कम एक्चुअली, प्लीज डू दिस। और हम अपनी कहानी को अब शुरू करते हैं। तो यहां पर बेसिकली एक्चुअली, एक सेकेंड गाइस,
यहाँ पे बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो पीटी ओरिएंटेड कहानी है ना, ये तुम्हें बेसिकली पीटी वाली कोर्स को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी, कंप्लीट करने में हेल्प करेगी इन दैट सेंस कि भाई अब उसमें अब एनसीईआरटी वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो तो लंबा चलने वाला कार्यक्रम है, और वो मैं बता ही चुका हूँ कि वो एब्सोल्युटली मेंस पर्सपेक्टिव को लेकर है। अब देखिए ये कीवी है, ये कीवी आज आपकी कीवी की ही बात कर रहा था मैं, कीवी सूरज प्रियांशु आयुष रवि जल्दी पहुंचिए ठीक है, तो कीवी की मैं बात कर रहा था कि अचानक से ना ये आईयूसीएन के रेड लिस्ट में चली गई हैं ठीक है। कभी कभी वंस इन द ब्लू मून इनका मेरे को मैसेज दिख जाता है ठीक है, कहीं कहीं ग्रुप में कभी मुझे अचानक से कल इनका मैसेज दिख, बोलती है सर मेरे को कुछ पूछना है, मैंने पूछो अहो भाग्य मेरे मतलब तुम दिख गई मुझे ठीक है। सो ऐसी हरकतें प्लीज आप लोग मत किया करो, अपना दिमाग मत लगाया करो। जैसे गुरुकुल टू कर रहे हो ना तुम, तो इसमें तुमने मॉडर्न और एंशियंट कर रखा है, अब इसमें मेडिएवल नहीं करोगे और तुम सोच रहे हो कि एनसीईआरटी वाले से ही मेडिएवल कर लेंगे, तो ठीक है करो मेरे साथ, देखो कब तुम्हारा मेडिएवल जाके कंप्लीट होता है और वो एकदम मेंस पर्सपेक्टिव है, तो देखते हैं तुम्हारा मेडिएवल कब। वो तो लंबा कोर्स चलेगा ना, मेंस की पूरी पढ़ाई है उसके अंदर और पूरा 6-12 एनसीईआरटी है। तो ये जो तुम लोग अपना दिमाग बेसिकली लगाने लगते हो ना, दैट टर्न्स आउट टू बी बैड फॉर यू, बैकफायर तुम्हें करता है। मतलब मुझे ये मेडिएवल को ना संडे तक खत्म कर देना है, संडे तक खत्म कर देना है बिकॉज मैक्सिमम मंडे तक, बिकॉज मंडे या ट्यूजडे से प्रीफेक्टो शुरू होना है, चीख चीख के मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली तुम क्या करोगे, नहीं 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 ये मेडिएवल क्यों करना, एनसीईआरटी में मेडिएवल कर लेंगे, मतलब ये तो फिर तो हो गया ना, फिर तुम लोग बन गए ठीक है, सब कुछ हो गया, सिविल सर्वेंट बन भी गए ठीक है। सो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर बेसिकली ये कहानी तुम्हारी क्या कहते हैं पीटी की है, तो हिस्ट्री में कंप्लीट एक पीटी ओरिएंटेड कोर्स को कंप्लीट करके बंद तो करो कहानी। एनसीईआरटी तो पूरी मेंस और उसमें वो एक अलग ही मुद्दा ही अलग है, उसको अब शुरू करना। दो दिन की तो क्लास मीडियबल में और बची है, मतलब मंडे तक मैं मैक्सिमम पढ़ाऊंगा, दो दो लेक्चर्स इसलिए ले रहा हूं। सो कृपया इसमें अपना दिमाग ना लगाइए ठीक है, मतलब ये तुम्हारी स्ट्रेंथ देख के मुझे पता चल रहा है इसलिए मैंने कहा ठीक है। यस भावना सुमन ईस्थर जल्दी जल्दी आइए, हरेश शिवलीला ऑलराइट खान साहब एकता सपना, चलो शुरू कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली गोरी गजनी की कहानी हो चुकी है, और ये स्पेशल क्लासेस वाली बात थोड़ी सी ध्यान रखना ठीक है, और मेरा ये कोड याद रख लेना AR101, इसको यूज करोगे सब्सक्रिप्शन के लिए तो मैं आपको मेंटर कर सकता हूँ, और इसको यूज करोगे तो 10% ट्रेडिशनल ऑफ तो आपको मिल ही जाता है, वो बात आप जानते हो। मोर देन दैट ये टेलीग्राम चैनल कोई भी अगर नया है तो वो डेफिनेटली ज्वाइन करेगा, और नए वाले लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना दिमाग ना लगाएं, गुरुकुल 2 अगर शुरू किया है तो उसके तीनों सेगमेंट को पहले फिनिश कीजिए, दैट इज मॉडर्न मीडिएवल एंड एंशिएंट, ये तीनों सेगमेंट पहले फिनिश हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट ठीक है, उसके बाद पैरेलल में एनसीईआरटी शुरू होना चाहिए। अपना दिमाग लगाते हो तो मेरे से बात मत करना, मेरे से बात करते हो तो अपना दिमाग मत लगाना, दो ऑप्शन हैं, दोनों में से एक तुम्हें चूज करना है ठीक है, या तो मेरे से बात ही करना छोड़ दो, या फिर बात करते हो तो अपना दिमाग लगाना छोड़ दो, दैट्स इट। सो टेलीग्राम चैनल वो नए लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विद अभिषेक _101 सॉरी स्टडी विद अभिषेक _unacademy एंड दिस इज माय बेसिकली एडुकेटर कोड AR101। तो कहानी शुरू करते हैं, कहानी बेसिकली अब दिल्ली सल्तनत में हम प्रवेश कर चुके हैं, गोरी गजनी को जब भारत ने बुला के उनसे लूटपाट मचवा ली है, तो गोरी गजनी के बाद गोरी मोहम्मद गोरी जाते जाते बेसिकली अपने एक गुलाम को छोड़ के जाते हैं ठीक है, एंड दैट गुलाम वॉज नथिंग बट द कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सल्तनत की नींव रखता है, जो सल्तनत की बेसिकली नींव रखता है। यहां कुछ लोग कांस्टेबल वाली हरकत कर रहे हैं, कोई बात नहीं हरेंद्र जाने दो, ऐसे स्टेटमेंट तुम नहीं दे सकते हो, बात सिर्फ मैं कह सकता हूं। रोहित प्रिया, हाँ प्रिया तो एंशिएंट से शुरू की तो अच्छी बात है ना, एंशिएंट खत्म करो या मेडिएवल खत्म करो, एनसीईआरटी चलना शुरू ही हो चुका है। तनिष्क प्रिया शेलू भावना संतोषी ऑलराइट ठीक है, मतलब बाकी देखो मतलब तुम लोग खुद को देखो, 8 बजे वाली क्लास में लोग गायब कौन है ठीक है, ये गायब लोग की कॉम कौन है, ट्राइंग टू फिगर इट आउट। गौरी बाकी लोगों को तो मैं देख रहा हूं ठीक है। यस सेलू गुड इवनिंग, मेघना सबको गुड इवनिंग, देख रहा हूं मैं ठीक है ऑलराइट। सना बिल्कुल हेलो, चलो सो मोहम्मद गोरी साहब जो देखा था तुम लोगों ने, गोरी साहब आए और अपने फिर बैटल ऑफ तराई एंड दिस बैटल ऑफ चंदावर सब धोधा के चले गए ठीक है। जाते जाते अपने एक स्लेव को छोड़ के गए कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ठीक है, और ये बेसिकली सब टर्किश ओरिजिन के थे, सारी बातें तो हम लोग कर ही चुके हैं। सो उस कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, ये बात तुम्हें कही जा रही है, सिंपल सी बात। 1206 AD में उस कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसीलिए बेसिकली दिल्ली सल्तनत की शुरुआत
इस स्लेव डायनेस्टी से तुम मानते हो, गुलाम वंश, मामलुक वंश, स्लेव डायनेस्टी से कहते हैं, ठीक है, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं इसे, मामलुक, मामलुक वंश भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से 1206 ईस्वी में होती है, दैट व्हाट हैज बीन एक्चुअली टोल्ड, वही नाम लिखा हुआ है ऊपर देखो, स्लेव डायनेस्टी और दिस मामलुक डायनेस्टी जो लिखा हुआ है, ठीक है, मामलुक डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट टर्किश डायनेस्टी, मध्यकालीन भारत की पहली टर्किश डायनेस्टी थी। अब ये टर्किश वर्ड तो समझ ही गए हो ना, गजनी हो, गोरी हो, ये सब इस्लामाइज्ड टर्क्स ही तो हैं जो भारत की ओर आए थे और फिर लूटपाट मचा के चले गए थे, ठीक है, दे वेयर आइदर द स्लेव्स और द सन ऑफ द स्लेव्स, या तो गुलाम थे या गुलामों के बेटे थे, ठीक है, हु बिकेम सुल्तान, थ्री मेजर सब डायनेस्टीज, मतलब इन्हीं वंशों में तीन अलग अलग प्रकार के उपवंश ने दिल्ली सल्तनत को बेसिकली सुशोभित किया। कौन कौन से? जैसे कुतुबी डायनेस्टी, कुतुबी डायनेस्टी ये वो वाली थी जो कुतुबुद्दीन, मतलब मैं तुम्हें बोला था ना कि जो टर्क्स थे ये बेसिकली अलग अलग ट्राइब्स के थे, अपने में ही इनका अलग, जैसे तुमने उस समय देखा था सेल्जुक ट्राइब, सेल्जुक टर्क्स का नाम था, सेल्जुक टर्क्स जिन्होंने गजनी को खत्म किया था, गजनी को खत्म किया था और बचे खुचे जो रिमेन्स थे वो घुरिद वंश ने खत्म कर दिया था और मोहम्मद गोरी भारत की तरफ आया था। सो ये ट्राइब्स जो टर्क्स थे ना, ये भी अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे। तो इसमें जो कुतुबी डायनेस्टी है, ठीक है, कुतुबी डायनेस्टी, ये कौन सी डायनेस्टी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो सल्तनत पर स्थापित की गई थी। उसके बाद इलबरी डायनेस्टी, इलबरी कौन है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजगद्दी पे बैठेंगे इल्तुतमिश, उनकी जो डायनेस्टी है उनको इलबरी डायनेस्टी कहा जाता है। इलबरी क्यों? ये अलग प्रकार का एक टर्किश ट्राइब है, इलबरी टर्क्स, सो इलबरी डायनेस्टी। उसके बाद सेकेंड इलबरी डायनेस्टी किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, तबाह होके रह जाओगे, सारा टर्क टर्क करते ही रह जाओगे, समझ में आ रही है बात, सारा टर्क करते ही रह जाओगे, बनेगा नहीं। तो दिस कुतुबी डायनेस्टी, दिस इलबरी डायनेस्टी, दिस सेकंड इलबरी डायनेस्टी वाज एक्चुअली फाउंडेड बाय दिस ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन, इन्हीं की कहानी हम बेसिकली करने वाले हैं। सो देख लेते हैं जरा इन्हें, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब क्या होता है? चांद का मालिक, लॉर्ड ऑफ द मून, चंद्रमा का स्वामी, ठीक है। After the death of his master, was sold by his master's son and eventually becoming a slave of Muhammad of Ghur, Muhammad Ghori, ठीक है, and made him Amir-e-Akhur, the master of the slave, गुलामों का इसे master बना दिया गया, और यही वो master है जो भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखेगा, ठीक है। इसकी मदद सबसे ज्यादा, पहले भी तुमने बताया था, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, बख्तियार खिलजी, ये वही बख्तियार खिलजी हैं जिसकी सबसे ज्यादा मदद कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी, और बिहार में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस इसी ने किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में अपना इसने शासन में स्थापित किया था एज गवर्नर, दैट वॉज बख्तियार खिलजी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करोगे तो भारत का पहला मॉस्क जो है इन्होंने स्थापित किया था मेहरौली वाले एरिया में, जब कुतुब मीनार की तरफ आप जाओगे ना तो कुतुब मीनार वाले क्षेत्र में ही, ठीक है, कुवतुल इस्लाम जो मॉस्क है ना, भारत का पहला मस्जिद था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। फिर अजमेर के समीप एक और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एंड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, पहली मंजिली जो कुतुब मीनार ना स्टोरी वाइज है, अगर देखा होगा आप लोगों ने मंजिला है, तो पहली मंजिल जो है ना इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, किसकी मेमोरी में? इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा बख्तियार, खुद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी सेंट, पढ़ाऊंगा मैं मीडिएबल पीरियड में सिखों के बारे में, सूफीज के बारे में, भक्ति मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है, वही सबसे इंपॉर्टेंट एरिया भी होता है। सो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाजा सूफी, सूफी सेंट, ठीक है, ऑफ इस टाइम। ये जो सूफी कल्चर है ना, ये भी बेसिकली मध्य इस्लामिक, ये जो इस्लामिक ये लोग हैं ना, यही तो लेके आए हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के मेमोरी में बेसिकली कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, पहला मंजिल इन्होंने फिनिश किया था, ठीक है, दैट वॉज देयर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा के लिए इनको याद रखना, देन इनको कुतुल इस्लाम मॉस्क के लिए याद रखना, द फर्स्ट मॉस्क ऑफ द इंडिया इन एक्चुअली दैट कुतुब मीनार कैंपस में ही है ये बेसिकली, ठीक है। सो इन चीज़ों के लिए बेसिकली इनको याद रखना। बड़ी अचानक से मौत हो जाती है इनकी 1210 एडी में, 4 सालों का इनका समय रहता है भारत में, लेकिन सल्तनत की नींव तो ये रख ही देते हैं, अचानक से मौत 1210 एडी में, कैसे? ठीक है, चौगन खेलते हुए, पोलो मतलब हॉर्स पोलो कहते हैं, खेलते हुए गिर जाते, अचानक से इनकी मौत हो जाती है। अब उस समय एम्स और बेसिकली क्या कहते हैं अपोलो तो होता नहीं था, ठीक है,
लाहौर के समीप इनको दफनाया जाता है, अनारकली बाजार उस जगह का नाम है जहां पे इनको दफनाया जाता है। इसके बाद इनके सन पुत्र आराम बख्श साहब ने 6-7 महीने का शासन किया था, याद रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, आराम बख्श, ठीक है, जिसको इल्तुतमिश ने हटा के और बेसिकली राजगद्दी पर सबसे पहली कंसोलिडेटेड गुलाम वंश में सबसे पहला कंसोलिडेटेड और एक सशक्त शासक जो आया दैट वाज इल्तुतमिश, जो आपको ध्यान में रखना है। सन इन लॉ एंड स्लेव ऑफ ऐबक, अब समझ रहे हो स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, सन इन लॉ मतलब क्या कहते हैं ससुर, नहीं सॉरी दामाद ससुर नहीं दामाद, ठीक है, कंप्लीट फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अबे तुगलक तुम चुप रहो, कंप्लीट किसने किया था मैं बताता हूँ, यहाँ मैं सनी लाओ को ससुर बना रहा हूँ, ठीक है। और देखो यार तुम लोग कितने कम आए हो, मतलब मैं नहीं छोड़ दूंगा, इस क्लास को नहीं कराऊंगा, ठीक है। सन इन लॉ इज ससुर, यस निधि दामाद, मैं समझ गया दामाद की बात मैं भी कर रहा हूँ, जमाई राजा, हाँ हाँ तुगलक भाई एकदम सही बात है, हंसो मत प्लीज, तुम लोग गलती से निकल गया, ठीक है। वर्ल्डली विंड अभी गुड इवनिंग कहोगे, क्या करते 9 बजे गुड इवनिंग कहते, अभी क्यों गुड इवनिंग कह रहे हो प्लीज। चिंकी, भावना, सुनील, जो नए लोग हो या टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाना, प्रियांशु, और कोई है जो गुड इवनिंग कहेगा या कोई 9:45 में भी गुड इवनिंग कहने वाला है, रीति इज देयर, दीक्षा इज देयर, ठीक है। अभी देखता हूँ मैं मैक्सिमम गुड इवनिंग, अब ना इसकी वजह से ना गुड इवनिंग कहना ही छोड़ दोगे तुम लोग। सनी लो दामाद है महिमा, मेरे को पता है वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से, समटाइम इट हैपेंस, सी द मून, मतलब एक मंत्र मेरे पक्ष में। श्वेता सिंह उज्जैन, ये श्वेता, जो नए लोग हो ना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो वाली प्रॉब्लम वहाँ पे समझ में आ जाएगी कि यूपीएससी 101 बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है, समझ में आ रही बात। हाँ तुलसी सर, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी कहा जाता है ना, अभी तो तुगलक आने तो दो तुलसी, कल ही तुगलक को बुला लेंगे या परसों, तो डेफिनेट तुगलक आ जाएगा, पागल राजा नहीं कहते हैं, क्यों इतना बदनाम कर देती हो बेचारे इंसान को, वाइज फूल कहते हैं, बुद्धिमान पागल। अब तुम सोचना, जब तक मैं तुगलक नहीं पढ़ाऊ ना, तुम सोचना कि ये कैसा इंसान हुआ जिसे बुद्धिमान पागल कहते हैं, ठीक है। अब समझते हो, अगर तुम लोग इंग्लिश में, तुम लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान हो ना, तो इंग्लिश में एक फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का अगर किसी ने नाम सुना हो, जिसमें दो वर्ड्स जुड़े होते हैं और दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली उल्टा होता है, फिर भी उनसे एक निश्चित भाव उत्पन्न होता है। अब जैसे वही शब्द है, क्या कह रहा हूं मैं, वाइज प्लस फूल। अब देखो ये दोनों एंटोनिम होने एक दूसरे के, लेकिन इससे बेसिकली कहने की एक इंसान की कोशिश की जा रही है, व्यंगात्मक रूप से उसका मजाक बनाया जा रहा है, दैट इज वाइज फूल, दैट इज कॉल्ड। अब तुम सोचना तुलसी कि ऐसा क्या हो गया कि इसको वाइज फूल कहते हैं, समझ में आ रही बात। सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन, पढ़ा है किसी ने, सर मेकिंग आई एम टेकिंग योर क्लासेस बट नेवर कमेंटिंग इन द लाइव सेशन। श्वेता क्या करो, मतलब मुझे कम से कम तो बता ही दिया करो ना, और यहां पे मान लो कमेंट नहीं करती हो तो कम से कम टेलीग्राम पे तो बातें किया करो ना। टीका तिपड्डी मत करो, क्या कह रहे हो, इट्स टाइम टू वॉच, मैं थोड़ा ऐसा भाषा में कुछ लिख दो ना कि मेरे को समझ में आए, टीका टिपड्डी क्या है, टीका टिपड्डी, पागल ही कह दिया डायरेक्ट, गजब बेइज्जती है। तुलसी रुक जाइए ना, अभी मैं सब कैसे एक्सप्लेन कर दूं कि अभी क्यों, मतलब तुगलक में, तुगलक को आने में अभी लगेगा 2 क्लास, जब आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है, जब आएगा तो आप देख लीजिएगा, अभी नहीं। एनीवेज, ये टीका टिपड्डी साहब कहां गए भाई, ये महान, मुझे भी लग रहा है कुछ तुगलक टाइप ही इंसान है, जरा मेरे को मतलब बताइए भाई अपने टीका टिपड्डी का, टीका टिप्पणी, अच्छा टिप्पणी टिप्पणी कह रहे हो, टीका टिप्पणी मत करो, क्यों नहीं करूं, क्या कह रहे हो, इट्स टाइम टू वॉच, थोड़ा होश में रह के कुछ बता दो, ठीक है, मतलब थोड़ी बुद्धि मुझे तुम ही से ही मिल जाए, तुम्हारे मैसेज का मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा टीका टिप्पणी कर रहे हो, मेरे को क्या पता, टीका टिप्पणी तो मेरे को पता है, टाइप कर देगा वो उस भाषा में, तो मेरे को कैसे पता चलेगा,
समझ में आ रही है बात, टीका टिप्पणी। और टीका टिप्पणी मत करो, मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ, मैं गुरु महाशय में तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है, इट्स टाइम टू वॉच, कि मेरे क्लास में ना आइंदा ये हरकत अपनी तुम दिखाना मत, और अगर यही तुम्हारी हरकत है ना तो यूपीएससी 101 पे नजर आना मत, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम्हारी सलाह को ना बहुत नवाजा जाएगा, जाके वहां पे पढ़ाई करो, समझ में आ रही है बात। डोंट यू डेयर टू स्पीक लाइक दिस ऑन दिस चैनल राइट नाउ, आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज यू विल बी इन अ बिग ट्रबल, बहुत भारी दिक्कत में होने वाले हो। अपने अपने आकार और अपनी हैसियत के हिसाब से बात कीजिए, इट्स टाइम टू वॉच साहब, मैं तुम्हें कह रहा हूँ सीरियसली। और दोबारा मैंने देख ली ना तुम्हें हरकत करते हुए, तो यू कांट इवन इमेजिन दैट व्हाट कैन हैपन विथ यू। टिका टिप्पणी मत करो, व्हाट द हेल, हु विल टेल मी, यू विल टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। समझ में आ रही है बात, इट्स टाइम टू वॉच। पहले ना अपना नाम लिखना सीख लो, अपने नाम से नफरत नहीं दिखाते ऐसे, इट्स टाइम टू वॉच, नाम लिखो अपना। एनीवे छोड़ो, हाँ तो ध्यान रखिएगा, इट्स टाइम टू वॉच साहब। इसके लिए कृपया करके चले जाइए दूसरे चैनल पे, बहुत सारे चैनल हैं, आप जैसे इंटरटेनर्स की जरूरत है वहां पे, जिनके बुद्धि से संविधान वहां पे लिखे जाते हैं। बच्चों के बारे में कह रहे थे सर, अभी देखिए बच्चों के बारे में कह रहे थे तो बच्चों को क्यों नहीं एड्रेस किया, तुमने तो क्या लिखा हुआ है, आर यू ट्राइंग टू बिफूल मी, क्या लिखा हुआ है इसका, इसका लेट मी चेक इट्स मैसेज। ज्यादा टीका टिप्पणी मत करो सर, तुमने लिखा हुआ था, अब तुम बच्चों पे आ गए। दिख नहीं रहा मुझे तुम्हारा मैसेज, लेकिन अगर ऐसी बात है ना कि बच्चों को कब लिखते हो और मुझे कब लिख रहे हो ना, ठीक है। अरे निधि तुम चुप रहो ना यार, तुम अपनी बुद्धि क्यों देने लगी बीच में, मैं बात कर रहा हूँ ना किसी से, सर वो स्टूडेंट के बारे में कह रहा था, मेरे को भी तो पता चलना चाहिए ना कि स्टूडेंट के बारे में कह रहा था। एंड डोंट लाइक, जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ निधि, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल सा जेस्चर है, जब दो लोग बात कर रहे होते हो तो बीच में नहीं आना चाहिए बिना पूछे हुए। संतोषी सेम थिंग आई एम टेलिंग यू, आई एम टॉकिंग टू, इट्स टाइम टू वॉच, व्हाई यू गाइस आर मेकिंग मी एक्सप्लेन, लेट हिम टॉक, अगर ऐसी बात रही होगी तो वो मुझे बताएगा, तुम लोग बीच में क्यों बता रहे हो। साई एंड निधि, मैं दोनों को ये बात कह रहा हूं, अगर आइंदा मैं ऐसी कोई बात करूं ना, ठीक है, तो मेरे को बात कर लेने देना, मतलब लेट मी, अगर मान लो इट्स टाइम टू वॉच ऐसी बात कर रहा है, बच्चों को बता रहा था, मान लो मेरे से गलती हुई है, ठीक है, तो लेट हिम टॉक टू मी ना, लेट मी टॉक टू हिम, तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो। इट्स ओके, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इट्स टाइम टू वॉच, नाम बताओ पहले तुम अपना, इट्स टाइम टू वॉच लिख दिया है, तुम्हारा नाम क्या है, टेल मी योर नेम फर्स्ट, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे नाम का। सर आपसे कोई गलती नहीं हुई, नहीं तुम नाम बताओ यार, प्लीज टेल मी योर नेम, नाम ठीक है, फॉरगेट दैट मोमेंट, वो इंसिडेंट भूल जाओ, मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, तुम्हारी भी अगर तुम जैसा कह रहे हो तुम्हारे से भी कोई गलती नहीं हुई है, इन दैट केस फॉरगेट दैट इंसिडेंट। और अगर ऐसा कुछ हुआ है प्लीज आगे से ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट सेक्शन मेरी वाली स्थिति में बैठे रहोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, कि कौन सी स्थिति होती है कि पढ़ाना और उसी समय कमेंट सेक्शन में ना तुम लोगों की सारी ख्वाहिशों को पूरा करना, देखना इस समय ना कभी कभी ऐसी गलती है, तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखते हो ना बच्चों को एड्रेस करते हुए, तो प्लीज मेक इट श्योर कि वो तुम मुझे, मतलब अगर मैं गलती से वो मैसेज देख लेता हूं ना तो मुझे लग जाए कि यू आर एड्रेसिंग द स्टूडेंट। आकाश, नाइस टू नो योर नेम, ठीक है, तो ध्यान रखो, मतलब जनरली कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखते रहते हैं लोग, और जब मैं ऐसे किसी मैसेज को देख लेता हूं, सॉरी टाइपिंग एरर था,
एक बात बताओ, ऐसा कोई भी गलती टाइपिंग एरर वगैरह पता है? मेरी पोजीशन पे रहोगे ना, मेरी स्थिति पे रहोगे तो पता चलता है। चलो आकाश, देख लिया मैंने नाम, अगर डेफिनेटली, मतलब मुझे डेफिनेटली कह रहा हूं, मुझे ऐसा ही लगा और मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर ऐसी बात है कि तुम कुछ और कह रहे थे, बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, देन आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मतलब अगर वो मेरी गलती है तो, बट मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये गलती किसी की भी होनी चाहिए, नाइदर फ्रॉम योर साइड नाइट फ्रॉम माई साइड। मतलब मैं भी अपने आप को गलत नहीं मान सकता हूँ, बिकॉज मैंने देखा था वो मैसेज तो मेरे को बुरा लगा। और थोड़ा सा क्लैरिटी लाना, मतलब ऐसा कुछ टाइपिंग करना हो ना, मतलब फ्लो में रहता हूँ, अचानक से क्लासेस लेते लेते फ्लो में ना ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, और देखो पिछले 5 मिनट से एक मिसकम्युनिकेशन प्रोड्यूस हो गया है। सो अगर वैसी कोई बात थी ना, तो प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट मी, मतलब इन बातों को भूल जाना, ठीक है, और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मतलब डोंट फील बैड अगर वो ऐसा कुछ हुआ है, इट्स जस्ट नथिंग बट अ काइंड ऑफ द मिसकम्युनिकेशन, ठीक है, या मिसइंटरप्रिटेशन कह सकते हो। इसमें थोड़ा सा सहयोग तुम अपने तरफ से भी करना कि ऐसे स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लिखना, और अगर ठीक है, और इस बातों को भूलो और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना यार आयुष, तुम क्यों बोलने लगे बीच में? अभी मैंने मना किया ना साइको और निधि को, कि जब मैं बात कर रहा होता हूं किसी स्टूडेंट से, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब आयुष प्लीज शट अप, हो गई मेरी बात, अब कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं बात करता हूं किसी से तो करने दो ना यार, गलती मेरे से हुई है या गलती उससे हुई है, हम लोग बातें करें, तुम लोग बीच में मेरे को समझाने लगते हो। चलो ठीक है, तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, आगे कौन थे ये? स्लेव ऑफ ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव, इल्बरी टर्क थे। टर्क मतलब इल्बरी टर्क समझ रहे हो ना, मतलब टर्किश कम्युनिटी, ट्राइब्स जो थे वो अलग अलग थे। ठीक है, कुतुबी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो कुतुबी डायनेस्टी उसने स्थापित किया था। वो कुतुबी, इल्बरी, ये सब शब्द क्या है? ये बेसिकली दीज आर द वर्ड्स, बेसिकली द नेम ऑफ द डिफरेंट टर्किश ट्राइब्स, और ये लोग टर्किश लोग हैं, ये तो बात तुम्हें पता ही है, तो शुरू में हम देख ही चुके हैं ये सारी बातें। Belonging to Samshi dynasty, he was known as the slave of the slave. ठीक है, सही बात है, तो समझ ही रहे हो ना, ठीक है, कि भाई he was the son-in-law and the slave of the Abak. Abak खुद ही slave था, उसका slave ये, तो slave of the slave इसको कहा जाता है। And उसने actually, ठीक है, Turkish conquest को भारत में really जिसने अगर किसी ने consolidate किया था, ठीक है, तो that was Samshuddin Iltutmish. Shifted his capital from Lahore to Delhi. दिल्ली में इसने, मतलब सल्तनत में, राजधानी दिल्ली को सल्तनत स्थापित करने में बेसिकली शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक की रही, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने इस काम को कंसोलिडेट किया था। ठीक है, इसके समय अली मर्दान खान का एक नाम याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तो बख्तियार खिलजी का नाम याद रखना, उन्हीं की मदद से सारा खेल उन्होंने खेला था। इनके समय एक अली मर्दान खान साहब का नाम याद रखना है, ठीक है, जिन्होंने बंगाल और बिहार क्षेत्र में अपने आप को राजा, मतलब डिक्लेयर कर दिया था बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में, और मतलब अंडर इल्तुतमिश ही। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय वो काम बिहार बंगाल वाला क्षेत्र बख्तियार खिलजी के साथ था, इस समय अब अली मर्दान खान के साथ है। उसके बाद कबाचा, ये जो कबाचा है ना, ये कबाचा है, फिर बाद में यालदूज करके आएंगे, यालदूज, यालदूज और कबाचा, ये सब ना अलग अलग टर्किश लोग हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं और अपने आप को वहां का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इसमें मतलब अली मर्दान खान को नहीं, कबाचा की मैं बात कर रहा हूं, आगे चल के आएगा यालदूज, इन सब लोगों को इल्तुतमिश शांत करेगा। ठीक है, देखते रहो। सो कबाचा ने क्या किया, मुल्तान वाला क्षेत्र पाकिस्तान वाले में अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया, लाहौर को सीज कर लिया, ही डिफीटेड यालदूज। यालदूज भी बेसिकली, मतलब ये क्या है, यालदूज भी बेसिकली ना पंजाब वाले क्षेत्र में, मतलब भटिंडा वाले क्षेत्र में अपने आप को, ये यालदूज और कबाचा ऐसे याद रखना, ये दो टर्किश अलग अलग लोग हैं जिन्होंने पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। इन सब लोगों को खत्म कर दिया, इन दोनों लोगों को खत्म किया किसने, यालदूज ने। मतलब ये जो बेसिकली रिवॉल्ट हो रहे थे अलग अलग टर्किश के, यालदूज कबाचा का नाम उसमें तुम लोगों को याद रखना है, खत्म किसने किया, इल्तुतमिश ने। ठीक है, उस समय जो कैलिफेट थे, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, एनसीआरटी वाली क्लास से भी अगर याद हो कि 13वीं शताब्दी का टाइम है, इस समय कौन सा कैलिफेट होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर लिख के बताना जरा, इस समय कौन सा कैलिफेट होना चाहिए। ठीक है,
चार खलीफाओं का नाम मैंने आज एनसीईआरटी वाली क्लास में भी उसका जिक्र किया है, सो लेट मी नो कि इस समय कौन सा कैलिफेट होना चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द आंसर, कमेंट सेक्शन में बताना 13वीं शताब्दी में कौन सा कैलिफेट होना चाहिए। जो भी थे उन्होंने बेसिकली इनको आमिर उल मोमिनी और कमांडर, ठीक है, ऑफ द फेथफुल, इसका मतलब होता है कि भाई विश्वास भाजकों का कमांडर, सेनापति, मतलब ये टाइटल आमिर उल मोमिनी कैलिफेट ने इन्हें दिया था इनके काम से खुश होकर, ठीक है। तुर्के चहलगिनी का नाम सुनते हो, नोबल्स का एक ग्रुप, चहलगिनी मतलब 40 लोगों का एक नोबल, नोबल्स का, अभिजात वर्ग का, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप इन्होंने स्टैब्लिश किया था, जो बेसिकली आज मंत्री परिषद के रूप में भारत में जाना जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कल्चर, जो प्रधानमंत्री को हेल्प करता है ना, वैसे ही बेसिकली राजा को मदद करने के लिए इन्होंने तुर्के चहलगिनी स्टैब्लिश किया था, अ ग्रुप ऑफ द 40 अबासिद, 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूजा हरेश, मेघना, निधि, संदीप पाटिल, शैलेंद्र, बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे नाम देख तुम्हें बोलते हुए देखना बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अबासिद, यस, तो वही टाइटल उन्होंने दिया था, आमिर उल मोमिनी का टाइटल इनको दिया गया था। फिर तुर्के चहलगिनी इन्होंने एस्टैब्लिश किया, वही नोबल्स, इक्तादारी की प्रथा, ही डिवाइडेड द स्टेट्स इनटू इक्ताज। इक्ता बेसिकली क्या होते थे, रिवेन्यू असाइनमेंट्स होते थे, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में तोड़ दिया गया, ठीक है, स्टेट को, और हर टुकड़े को इक्ता कहा गया, और उसके लिए उसको अलॉट किया गया किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जिसे इक्तादार कहा गया, और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या काम के लिए था, उस क्षेत्र के रिवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और इसी सिस्टम को बेसिकली क्या कहा गया, इक्तादारी सिस्टम। मतलब पहला रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मध्यकालीन भारत में किसने स्थापित किया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिस ने, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, इक्तादारी सिस्टम। आगे चल के यही जागीरदारी प्रथा में बदलेगी, फिर अकबर उसे मनसबदारी प्रथा में बदलेंगे, सब थोड़ा सा मॉडिफाई होते चलेगा, कैसे मॉडिफाई होगा सब मैं बताऊंगा, ठीक है। दो प्रकार के सिक्कों को इन्होंने चलाया, ठीक है, दैट इज टंका एंड जित्तल, नाम याद रखना, इल्तुतमिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, टंका एंड जित्तल, ठीक है, दो प्रकार के कॉइन्स, सिल्वर कॉइन वॉज टंका एंड दिस कॉपर कॉइन वॉज जित्तल, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात, दिस मेहनाज उल सिराज, ये इल्तुतमिस के दरबार में ही थे, जिन्होंने तबाकते नशीरी लिखी है, ये तो पिछली क्लास में भी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, जब फॉरेन ट्रेवलर्स और पैट्रॉन्स का नाम लिया था, तो तबाकते नशीरी, मेहनाज उल सिराज, मेहनाज उल सिराज, ये बेसिकली इल्तुतमिस के राज दरबार को ही सुशोभित करते थे। और ये जो किताब है ना, ये नशीरुद्दीन मुहम्मद की जीवनी है। अब ये नसीरुद्दीन मुहम्मद कौन है, ये इल्तुतमिस के बेसिकली पुत्र हैं, लेकिन इल्तुतमिस अपने पुत्रों में से किसी भी अपने आप को उत्तराधिकारी ना बनाते हुए अपने बेटी रजिया सुल्तान को राजगद्दी पे बिठाएंगे, लेकिन रजिया सुल्तान किसी को पसंद नहीं आएगा इस पुत्र पुरुष प्रधान समाज में, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में किसी महिला का राजगद्दी पे बैठना, सबसे पहले तो उसके भाइयों से ही उसकी टेंशन होगी, लड़ाई करते करते ही उसकी जिंदगी 5-6 सालों में खत्म हो जाएगी, फाइनली उसके कैरेक्टर पे भी उंगलियां उठेंगी, हर तरीके से नेस्टो नाबूद वो महिला मैक्सिमम 5-6 ईयर सर्वाइव कर पाएगी, और फाइनली उसका एसेसिनेशन भी होगा। उसके बाद ये नसीरुद्दीन मुहम्मद साहब कुछ दिनों तक राजगद्दी पे बैठेंगे एक साजिश के तहत, और वो साजिश करेगा कौन, बलबन, कौन था, उस तुर्के चहलगिनी का ही एक हिस्सा, और इसके बाद वो राजगद्दी पे आएगा। रजिया सुल्तान के बाद नसीरुद्दीन मुहम्मद थोड़ी राजगद्दी पे बैठेंगे थोड़े दिन, बलबन ही बिठाएगा, और बलबन के एकदम, मतलब बलबन के तोता की तरह वो काम करेंगे, फाइनली बलबन उन्हें खत्म कर देगा बुरी तरीके से, और खुद राजगद्दी पे आएगा, और फिर एक नए शासन व्यवस्था की शुरुआत करेगा, दैट विल बी द स्टोरी लेटर ऑन। सो ये तबाकत नशीरी जो है ना, तबाकत नशीरी, ये बेसिकली मेहनाज उल सिराज की ही रचना है, उसी नसीरुद्दीन मुहम्मद के सास की जीवनी है, कि कौन, जो इल्तुतमिस के क्या थे, बेसिकली पुत्र, ठीक है, इल्तुतमिस के पुत्र थे। ऑलराइट, चंगेज खान सुजल आएंगे, डोंट वरी, चंगेज खान बिल्कुल आएंगे, ठीक है, डोंट वरी, चंगेज खान होंगे, मैं भी बताता हूं, ठीक है। बहुत सारे टॉम्ब का, मकबरों का इन्होंने निर्माण किया है, दैट्स दिस सुल्तानगढ़ी टॉम्ब एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, बेसिकली 238 फीट की इमारत,
ठीक है, इसको बेसिकली इल्तुतमिश ने ही कंप्लीट किया था 1236 एडी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन सारी बातों के लिए आप इल्तुतमिश को याद रखिएगा, इसके पीछे की सारी कहानी मैंने तुम्हें बताई ही थी। सुमित सर की क्लास है कि नहीं एक बार बताना, नहीं होगा तो 10-15 मिनट आगे तक पढ़ेंगे, ये गुलाम वंश को खत्म करना है हमें। सुमित सर की क्लास है कि नहीं बताना जरा। उसके बाद इल्तुतमिश के तीन बेटे थे, तीनों नकारा थे, कोई बात नहीं उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें से एक नसीरुद्दीन मोहम्मद था, सब नकारा थे। ठीक है, सुमित सर की क्लास है कि नहीं एक बार बता दो मेरे को। गुरु देवियों कन्याओं सज्जनों, नोप्स नहीं है तो 10 मिनट आगे तक पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए कंटिन्यू करेंगे। तो ये कहानी तो मैंने बताई थी, अपने पुत्रों के बावजूद रजिया सुल्तान को राजगद्दी पे बिठाया गया, बिकॉज पुत्रों में वो हैसियत देखी नहीं इल्तुतमिश ने, ठीक है, और अपने डॉटर को थ्रोन पे बिठाया। 1236 से 1239 संघर्ष करती हुई ये महिला, ठीक है, 3 सालों तक सर्वाइव कर पाई थी। रीजन, सबसे बड़ा रीजन कि भाई स्वीकार नहीं कर पाए थे चाहलगिनी के लोग, या तुर्के चाहलगिनी के लोग, या पैट्रियार्कल सोसाइटी, भाइयों को खुद लगा अबे मेरे रहते बहन राजगद्दी पे कैसे बैठ गई। अच्छा ध्यान रहे, रजिया सुल्तान तो राजगद्दी पे बैठी ही है भारत का, जब तुम इतिहास पढ़ रहे हो ना, तो कश्मीर में उत्पल डायनेस्टी में क्वीन डिड्डा की भी मैंने बात की थी, और जब काकातीय डायनेस्टी की बात कर रहा था तो मैं रुद्रमा देवी की भी मैंने बात की थी। ये दो और महिला शासकों को जो राजगद्दी पे बैठी थी, याद रखना, अपार्ट फ्रॉम द रजिया सुल्तान, समझ में आ रही है ना बात। सो राजगद्दी पे बैठी, सबको अखड़ने लगी, अखड़ने लगी तो बेसिकली मतलब सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन मुस्लिम रूलर इन द मीडियवल इंडिया, सल्तनत काल में पहली, सल्तनत काल की पहली। लेकिन वो जो काकातीय डायनेस्टी है या फिर जो क्वीन डिड्डा थी उत्पल डायनेस्टी कश्मीर वाली, वो इनसे पहले की है, बट उसको आप सल्तनत काल कहते नहीं हो, समझ में आ रही है बात। उसके बाद आप आ जाइए रजिया सुल्तान में, ठीक है, मतलब बड़ा बोल्डली इन्होंने फेस करना सब कुछ शुरू किया, अनवेल्ड करके अपना चेहरा नकाब से बाहर हटा के एकदम बोल्ड बन के, जींस वींस नहीं पहना था, ठीक है, बट बड़ा बोल्डली इन्होंने राजदरबार में आना शुरू किया था। एक अबिसिनियन नोबल मलिक, ठीक है, जमालुद्दीन याकुल्त, याकूत करके है, अबिसिनियन मतलब बेसिकली इथोपियन, अफ्रीकन एम्पायर है, अबिसिनियन एम्पायर वॉज एन अफ्रीकन एम्पायर, उत्तरी अफ्रीका का एक ये वंश था अबिसिनियन वंश, उसी का एक नोबल था अभिजात वर्ग मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन मलिक जमालुद्दीन याकूत, ठीक है, इनको बेसिकली इन्होंने आमिर आखूर मास्टर ऑफ द हॉर्स मतलब कैवलरी का हेड बनाया था, ठीक है, और नोबल्स का हिस्सा भी बनाया था, तुर्के चाहलगिनी का हिस्सा भी बनाया था। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बता रहा हूं, याकूत का नाम, ठीक है, तबाह तो लोग थे ही, ठीक है। अब एक नाम आता है, व्हेन सी वाज ऑन हर वे टू सिरहिंद, पंजाब वाला क्षेत्र, अंडर अल्तुनिया जो वहां का गवर्नर था, ठीक है, वहां पे एक रिबेलियन विद्रोह होता है और याकूत को मार दिया जाता है, मर जाता है, ठीक है, और उसमें रजिया सुल्तान को पकड़ के फिर ना कैद कर दिया जाता है। अल्तुनिया जो गवर्नर था बेसिकली मदद करता है उनकी, और अल्तुनिया से बेसिकली ये काफी प्रभावित हो जाती हैं, इससे शादी हो जाती है, और इसकी वजह से अल्तुनिया जो उस समय पंजाब का गवर्नर था ना, ठीक है, शादी हो जाती है, और बेसिकली इसकी वजह से इनके कैरेक्टर पे भी बहुत सारे सवाल जवाब होने लगते हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं की जाती हैं। फाइनली एसेसिनेटेड डकैतों के द्वारा एक बार जब वो जा रही होती हैं शिवाजी ने फ्लाइट, ठीक है, टुवर्ड्स दिल्ली, इनको बीच में ही मार दिया जाता है। यही कहानी है रजिया सुल्तान की, नथिंग मोर देन दिट नथिंग लेस देन दिस, ठीक है, कि एक महिला जो सिर्फ इसलिए सरवाइव नहीं कर सकी बिकॉज मर्दों को यह गंवारा नहीं था कि उनके रहते बेसिकली राजगद्दी पे कौन बैठे, तो दैट कोई महिला, दैट वॉज रजिया सुल्तान। अदरवाइज इल्तुतमिश ने इतना तो जरूर देखा होगा ना इस लड़की में कि अपने तीन बेटों के होने के बावजूद इसे राजगद्दी पे बिठाया, तो इसकी स्ट्रगल को समझिएगा, इसकी एफिशिएंसी पे डाउट मत कीजिएगा। इल्तुतमिश जैसा सशक्त और एम्बिशियस शासक अगर अपने तीन बेटों के रहते बेटी को शासन व्यवस्था की डोर देता है, तो इसके कैरेक्टर पे और इसके एफिशिएंसी पे तो डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर एक्चुअली वो इनएफिशिएंट क्यों लग रही है, जस्ट बिकॉज कि उसके अपने ही उसके खिलाफ होते चले गए सब लोग, पूरा छाप सब सिर्फ एक दुख की वजह से कि भाई पुरुष के रहते महिला कैसे राजगद्दी पे बैठ सकती है, समझ में आ रही है बात, दिस ड्यूअल माइंडेडनेस।
इसके बाद बलबन साहब देखो, जैसे थोड़ा सा टाइम है ना, 1236 से 1239, ठीक है, और बलबन राजगद्दी पे बैठते हैं 1265 में। तो इस बीच में कौन आते हैं? इस बीच में आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद साहब। ये नसीरुद्दीन मोहम्मद साहब वही हैं इल्तुतमिश के बेटे, जिनको इल्तुतमिश ने अपने जीवन में तो राजगद्दी पे नहीं बिठाया। अब बलबन जो है वो चहलगिनी का मेंबर है, खुराफाती इंसान है, चहलगिनी का मेंबर है। वो बेसिकली अचानक से राजगद्दी पे नहीं आना चाहता है, ठीक है, पीछे का पहले बैकग्राउंड वर्क प्रॉपरली करना चाहता है। सो वो नसीरुद्दीन मोहम्मद को राजगद्दी पे बिठाता है और नसीरुद्दीन मोहम्मद बिल्कुल उसके एकदम कठपुतली की तरह काम करते हैं। फाइनली 15-16 साल तक वो रहते तो जरूर है, लेकिन पीछे से सल्तनत को किसी ने चलाया है तो वो नसीरुद्दीन मोहम्मद, सॉरी बलबन ने चलाया है। अंततः 1265 में ये वही नसीरुद्दीन मोहम्मद है, मिनाज उद सिराज ने जो जीवनी लिखी थी ना, तबकते नसीरी, ये इन्हीं की जीवनी है, नसीरुद्दीन मोहम्मद द सन ऑफ द इल्तुतमिश। फाइनली इल्तुतमिश इन्हें बड़े बुरे तरीके से मार देता है, जब मौका देखता है चौका लगाता है, राजगद्दी पे आता है 1265 में, और आते ही एक जबरदस्त, ठीक है, कठोर और एकदम पावरफुल डायनेस्टी या फिर संचालन को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। हुज बलबन वॉज हेल्प्ड इन द सिक्योरिंग द थ्रोन इन 1246 AD, यंगर सन इल्तुतमिश का नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये सब बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं। मूविंग अहेड, ठीक है, हाँ चाले, देखो एक बात समझ में देखना, ठीक है। ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी बाई टर्किश चीफ, बलबन वॉज आउस्टेड फ्रॉम हिज पोजिशन एंड वॉज रिप्लेस्ड बाई इमादुद्दीन रायहान, इंडियन मुस्लिम, ठीक है। बलबन की इन खुफिया चालों की वजह से ना, बलबन को चहलगिनी के हिस्सा मतलब का मेंबर भी हटा दिया जाता है, इनकी जगह कौन लेता है? एक इंडियन मुस्लिम, दैट वाज लाइक इमानुद्दीन रायहान, समझ रहे हो? मतलब बलबन बैकग्राउंड वर्क में लगा हुआ है, किस तरीके से सुल्तान या राजगद्दी पर बैठा जाए, समझ में आ रही है बात? तो आते ही राजगद्दी पे बैठते ही ना वो सबसे पहले चहलगिनी को समाप्त करता है कि भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि उनको लगता है कि राजा की हैसियत को डगमगाने में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावशाली है साम्राज्य में तो ये चहलगिनी है। आते ही सबसे पहले खत्म करता है। तो कठोर पॉलिसीज, मतलब जो इल्तुतमिश के बाद और रजिया सुल्तान के समय जो बीच का 20-25 साल है ना, जो बहुत डिस्टेबिलाइज हो चुका है, उसको बहुत कठोरता से ये हैंडल करता है। क्रिएटेड चहलगिनी को पहले खत्म करता है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स शुरू करता है दीवाने अर्ज के रूप में, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। अच्छा देखो और भी कैसी चीजें हैं, कैसे कैसे ट्रेडिशंस को ये शुरू करता है। सिजदा एंड पाइबोस, सिजदा का मतलब प्रोस्ट्रेशन एंड पाइबोस का मतलब किसिंग द सुल्तान्स फीट, साष्टांग होकर राजा के चरणों को चूमो, और सिजदा मतलब प्रोस्ट्रेशन, मतलब राजा को अगर तुम फेस कर रहे हो, ट्राई टू फाइंड इट आउट, राजा को अगर तुम फेस कर रहे हो तो आपको पीठ दिखा के राजा को मुड़के नहीं जाना है, मतलब राजा से बात हो गई ना तो तुम मुड़ के जाओगे, तो तुम घूम के, नॉर्मली क्या है कि मैं तुमसे अगर बात कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो मैं बात कर रहा होता हूँ, जब मेरे को जाना है तो मैं पीठ, मतलब हेलो हाय बाय कह के मैं चला जाऊंगा ना, तो मेरा तुम पीठ ही देखोगे ना, जब मैं जा रहा होऊंगा तो तुम मेरा पीठ देखोगे। इसका मतलब क्या था कि तुम्हें जाना भी ऐसे करके, मतलब यही अगर यहाँ पे खड़ा हूं ना तो तुम्हें जाना भी ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे समझ लगे पीछे की तरफ। अब मान लो पीछे तुम्हारा कहीं टकरा गए, गिर गए, फूट गए, मर गए, दैट डजंट मैटर, दैट वाज द सिस्टम ऑफ हिज़्दा, ऐसे ऐसे करते करते पीछे जाना है, जब तक राजा की नजरों से ओझल नहीं हो जाते हो तब तक ये काम तुम्हें करते रहना है, ठीक है। सो दैट वाज सिजदा, एंड पाइबोस मतलब राजा के पैरों को चूमो, मतलब राजा को इसने भगवान का दर्जा देने की पूरी कोशिश की। अकॉर्डिंग टू बलबन द सुल्तान वॉज गॉड्स शेडो ऑन अर्थ, और यही टाइटल जिल्ले इलाही जो तुम कहते हो ना, बलबन के समय ही पनपा था जिल्ले इलाही। यार मैं मेरे को एक बार कह दो तुम लोग जिल्ले इलाही, अगर मन करता है तो कह दो, मन नहीं करता है तो मत कहना, ठीक है। जिसको बेसिकली उन्होंने नियाबत खुदाई, नियाबत खुदाई मतलब खुदा की नियाबत, मतलब खुदा की देन, डिवाइन ग्रेस, किसको कहा? किंग को। क्या नाम दिया? जिल्ले इलाही, ठीक है। ये सब बेसिकली, अब देखिए हरेश क्या पूछ रहे हैं, चहलगिनी। हरेश कहां पे खोए हुए थे? रजिया सुल्तान की यादों में खो गए थे। चहलगिनी सारी रामायण बता दी, थोड़ी देर और बात पूछते कि चहलगिनी क्या है। अब एक ग्रुप नोबल्स ग्रुप था, 40 लोगों का, 40 नोबल्स का एक ग्रुप जो राजा को सलाह देने का काम करता था, उसको चहलगिनी कहते थे। समझ में आ रही बात? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। हाँ, जैसे आज प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना, वही बेसिकली चहलगिनी था, ठीक है। He also started the policy of the blood and iron, मतलब जबरदस्त प्रकार का प्रहार,
बहुत कठोर सजा देना, ब्लड एराइन की पॉलिसी मतलब बहुत कठोर सजा देना किसी भी छोटे से छोटे पनिशमेंट के लिए, तो इसके लिए भी बलबन को ही क्रेडिट दिया जाता है। एक पर्शियन फेस्टिवल नौरोज की शुरुआत भी इन्होंने की थी, नौरोज की शुरुआत भी की थी और बलबन डाइट, हाँ ठीक है, नौरोज ब्लड एंड आयरन दीवाने अरीज चहलगानी को समाप्त करने के लिए, और गियासुद्दीन बलबन की जगह पर जो वो इंडियन इनको रिप्लेस जो चहलगानी में किया गया था ना इस इंडियन मुस्लिम से इमानुद्दीन रायहान, इनका यहाँ याद रखना। और इस प्रकार बलबन कंसोलिडेटेड स्थिति में बेसिकली 1265 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1286 एडी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो बेसिकली टाइम है, जो बेसिकली टाइम है ना, तो मैं बताता हूँ, मैं बलबन से लेकर या इल्तुतमिश से लेकर बलबन तक की कहानी है, ठीक है। बलबन ने हर प्रकार के विद्रोह को बड़े कठोरता से हैंडल किया, दैट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन। तुगरिल खान, इन्होंने एक तुगरिल खान का नाम याद रख लेना, ही वॉज द गवर्नर अपॉइंटेड बाई द बलबन इन द एरियाज ऑफ द बंगाल, ठीक है। तुगरिल खान वॉज इनकरेज बाई मंगोल थ्रेट्स एंड ओल्ड एज ऑफ सुल्तान एंड दस बिकेम रिबेलियस। अमीन खान द गवर्नर ऑफ औध वाज सेंट बाई बलबन टू, हाँ देखो एक बात कही जा रही है कि तुगरिल खान जो बलबन का ही एक स्लेव था ना, ठीक है, ये बेसिकली याद रखोगे तो भी ठीक है, नहीं याद रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बंगाल का एक, बंगाल में इसको एक गवर्नर नियुक्त किया गया था। लेकिन ये जो टाइम मैं शुरू से कह रहा हूँ कि राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द इल्तुतमिश अप टू द टाइम ऑफ द बलबन, अगर भारत में सबसे बड़ा खतरा कोई मंडरा रहा है तो वो मंगोल्स का है, वही मंगोल्स और चंगेज खान, इनसे हर कोई जूझता आ रहा है। मंगोल्स, चंगेज खान, कुबलाई खान की वो धरती, ठीक है, मंगोल जानते हो चाइनीज एम्पायर, समझ रहे हो ना, हमेशा तंग किया इन लोगों ने, तो अभी भी तंग कर रहे हैं, ठीक है। सो इल्तुतमिश से लेकर बलबन तक का ये जो समय है ना, लगातार मंगोल्स इन्वेजन से, और वही मंगोल्स के चक्कर में आके ना ये जो बलबन का गुलाम है तुगरिल खान, जिसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, थोड़ा हीरो बन जाता है, बस उतनी सी बात कही जा रही है, ठीक है। बस उपाय कर दिया जाता है, उपाय इसका भी कर दिया जाता है, उपाय क्या किया जाता है, ही वॉज बीहेडेड, खत्म कहानी, बस इसीलिए याद रखना तुगरिल खान को, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अब आ जाइए वही मंगोल में, किसका नाम मैंने बताया, चंगेज खान द ग्रेट चंगेज खान, ठीक है, जो अपने आप को स्काउज ऑफ द गॉड कहता था, भगवान का रूप, मंगोल्स अटैक्ड ख्वारिज्मी एम्पायर 13वीं शताब्दी में, ख्वारिज्मी कौन था, उधर ट्रांसऑक्सियाना वाले क्षेत्र में, किसी ने पिछली क्लास में मैंने तुम्हें दिखाया था, ट्रांसऑक्सियाना वाला क्षेत्र जो उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान वाला क्षेत्र, उसको खत्म करते हैं ये लोग, बेसिकली डिस्ट्रॉयड ख्वारिज्मी एम्पायर, सेव्ड, हाँ ठीक है। और भारत की तरफ जब ये रुख करते हैं ना, तो इल्तुतमिश से लेकर बलबन तक सब लोग मंगोल्स के खौफ से काफी तबाह रहते हैं, काफी तबाह रहते हैं, और उसको किसी तरीके से, इसमें इल्तुतमिश की भी बहुत बड़ी भागीदारी है, इसने भी किसी तरीके से मंगोल्स के खौफ से अपने, बड़े टेरिबल लोग थे ये लोग, ठीक है। लेकिन हाँ, चंगेज खान की मौत के बाद बड़े खूंखार और बड़े मतलब क्रूएल टाइप के इंसान थे, ठीक है। सो चंगेज खान की मृत्यु के बाद मामला थोड़ा शांत होता है, लेकिन एक बातू खान का नाम दिया गया है, ठीक है, बातू खान जो चंगेज खान का ही पुत्रों में से एक पुत्र था, ठीक है। मंगोल desisted from making any encroachment into India due to their preoccupation with Iraq and Syria. मतलब 13वीं शताब्दी तक थोड़ा उधर ही खोए रह गए, इराक ईरान वाले क्षेत्र में, तो भारत की तरफ ये नहीं बढ़ पाए ज्यादा, ये बात कही जा रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, कम या ज्यादा इल्तुतमिश से लेकर बलबन तक की दुनिया मंगोल के थ्रेट से हमेशा तबाह रही, ठीक है। अच्छा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये बात कही जा रही है। हाँ, उसके बाद ही सेंट एम्बेसडर्स इन द कोर्ट ऑफ हलाकू खान, ठीक है, ये पर्सिया के शासक हैं। इन अ रिटर्न जेस्चर हलाकू खान सेंट हिज इनवॉइस टू द कोर्ट ऑफ बलबन एट दिल्ली, हुए रिसीव विद ग्रेट ऑनर। बलबन ऑल्सो एग्रीड टू गिव सम पार्ट्स ऑफ द पंजाब रीजन टू द मंगोल्स इफ द मंगोल्स वुड एग्री टू स्टॉप दियर रेड्स इन दिल्ली। ही ऑक्यूपाइड मुल्तान, प्लेस्ड इट अंडर द गवर्नरशिप ऑफ द एल्डेस्ट सन महमूद, जो मंगोलों से ही लड़ते लड़ते मर गया था। समझ में आ रही है बात, मतलब हर प्रकार से समझौता करने की मंगोलों से बलबन ने कोशिश की थी। इल्तुतमिश से लेकर बलबन तक मंगोल की वजह से तबाह थे, ये बात तुम्हें, आगे इनको सबसे, इनका सबसे अच्छा मामला जो शांत करेगा ना, इसके बाद खिलजीज में आएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, खली बली हो गया है दिल, याद है ना,
वो करेगा सबसे खतरनाक रूप से इनका मामला शांत। सो ये एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना, ठीक है, कि ये जो टाइम है ना 13वीं और 14वीं शताब्दी, राइट फ्रॉम द इल्तुतमिश अप टू बलबन, ठीक है, बड़े तबाह रहेंगे ये सब लोग, ठीक है, किससे, मंगोल से। और ऐसे में कोशिश बेसिकली बलबन की भी हमेशा रहेगी, इवन कि पंजाब वाले क्षेत्र को लगभग वो सरेंडर कर देंगे कि भाई तुम दिल्ली पे आक्रमण नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बेसिकली पंजाब दे देता हूं, लेकिन फिर भी, ठीक है, इन लोगों को सप्रेस ज्यादा कोई नहीं कर पाएगा, बड़े टेरिबल टाइप के लोग थे। बलबन के बाद देखोगे अब खिलजी वंश जो बेसिकली आता है ना, खिलजी वंश इन लोगों को कर देगा तबाह, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी निपटाएगा कैसे देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। जाते जाते कोई भी नया लोग हो मेरा अकेडमी चैनल ये जरूर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है अभी भी ऑन है, डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ने वाली है नेक्स्ट मंथ से, पूरा समझते हो ना कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जीएस मेंस ऑप्शनल सारा टेस्ट सीरीज सारी किताबें 50,000 के अप्रॉक्सीमेटली। कोई भी इससे संबंधित डाउट हो टेलीग्राम पे मेरे से बात करो, और इस क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें यूट्यूब से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि मेंस और ऑप्शनल की तैयारी तो यूट्यूब पे नहीं हो सकती है ना, वो पढ़ाने की हैसियत मेरी है ना किसी की भी है कि मेंस और सिलेबस और ऑप्शनल का सिलेबस आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा दिया जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आप लोग को प्लस पे तो आना ही पड़ेगा। अब ये कब आओगे कैसे आओगे, कोई डाउट हो मेरे से बात करो। हाँ, अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा कोड याद रखना AR101, ये यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ तो आपको मिल ही जाता है। मोर देन दैट, आपको मेंटर मैं पर्सनलाइज तरीके से कर सकता हूँ, ये नियम मैं बार बार बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसा कहते हैं और मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, मुझे दुख होता है, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई एम बाउंड बाय दिस रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। प्लस का अगस्त में जरूर आया करो, खास करके वो लोग जिनको पीटी देना है वो तो भूलना ही मत, ये साइंस टेक वाली क्लासेज, ये हिस्ट्री MCQ, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट आंसर राइटिंग वाला करिकुलम यहाँ पे। सो इसको फॉलो कर लेना, मुझे सारे नोटिफिकेशन तुम्हें प्लस स्पेशल क्लासेस की मिलती रहेंगी। सब्सक्रिप्शन वही है, या तो प्लस है या तो आइकॉनिक है। आइकॉनिक में बेसिकली पर्सनलाइज मेंटरिंग आपको और आंसर राइटिंग के लिए हेल्प मिल जाती है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो मैं भी आपको पर्सनलाइज मेंटरिंग कर सकता हूँ, दैट्स देयर। और जिनको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, ये कॉम्बैट जरूर दिया करो एवरी संडे 11 AM इंग्लिश हिंदी दोनों में, करोड़ों की स्कॉलरशिप है, तुम्हें तो बस एक सब्सक्रिप्शन निकालना है। गुरुकुल 2 को कंप्लीटली देखोगे ना तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर अपने ईमान के साथ वो काम किया है गुरुकुल 2, तुम्हें 1 to 10 के बीच में आने से कोई नहीं रोक सकता। सो रुको मत, रुकने का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, जीवन में आगे बढ़ो, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। रास्ते तभी दिखेंगे, बैठ के सोचोगे ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे देखे और मेरा दिल उनका दिल पिघले और कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। बिना कर्म के किसी फल की इच्छा करना गलत बात है। सो बस ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलते हैं तीनों क्लासेस के साथ, 5 PM 8 PM गुरुकुल 2 और बीच में 7 PM NCERT। कृपया करके अपना दिमाग मत लगाइएगा और इन तीनों क्लासेस को कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।